आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या डिफरेंस होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेंटेंस से लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस फंक्शन के अकॉर्डिंग है या फिर पर्पस के अकॉर्डिंग। पहला देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन, यानी कि जो कोई सेंटेंस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, एसर्टिव सेंटेंस। और सेंटेंस को स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। उसका जनरल स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन सभी एसर्टिव सेंटेंस ऐसे लिखे जाएंगे जरूरी नहीं है। अभी आपको इसमें और थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। सिंपल सेंटेंस एसर्टिव हो सकता है, कंपाउंड सेंटेंस भी एसर्टिव हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी एसर्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। स्ट्रक्चर में दो सब्जेक्ट है या दो वर्ब है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर वो सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो हो जाएगा एसर्टिव सेंटेंस, फिर वो सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स। सो सेकेंड वन है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या फंक्शन होता है? इंपरेटिव सेंटेंस से हम ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, एडवाइस देने के लिए भी यूज किया जाता है, और इसे ऑर्डर सेंटेंस भी कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो जनरली ज्यादातर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होते हैं। प्लीज वर्ड यूज किया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट के लिए। थर्ड वन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला है WH टाइप क्वेश्चंस, जो WH वर्ड से बिगिन होता है। WH वर्ड यानी कि व्हाट, व्हेन, व्हाय, हाउ, H से जो स्टार्ट होता है वो भी WH टाइप ही क्वेश्चन है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, ये दोनों भी WH टाइप क्वेश्चंस है। इसमें सेकेंड टाइप है यस नो टाइप क्वेश्चंस, जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है। आर यू लिसनिंग, Do you know about this place? So, ये helping verb से begin होता है और इनका answer yes या no होता है। इसके लिए इन्हें yes no type question कहा जाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं which cake do you like, तो आप yes या no नहीं बोलेंगे, वहां पर फिर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का आंसर देना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका यूज किसी को विश करने के लिए, किसी को ब्लेस करने के लिए, ग्रेट करने के लिए, भी किया जा सकता है। जैसे बर्थडे पे हम विश करते हैं, सिंपली हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। बट वो होता क्या एक्चुअली, आई विश यू टू बी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो टाइम के अकॉर्डिंग वो विश जो है सेंटेंस में से हमने हटा दिया। मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये दो टाइम से हमें सेंटेंस करेंगे। इंफॉर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग पॉजिटिव होता है। अब आप देखोगे कि एसर्टिव सेंटेंस अगर उसमें हम लिखते हैं आई एम अ बॉय, तो वो एसर्टिव सेंटेंस भी है और एफर्मेटिव सेंटेंस भी है। यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग एसर्टिव सेंटेंस, और मीनिंग के अकॉर्डिंग पॉजिटिव सेंटेंस। आई एम नॉट अ गर्ल, ये सिंपल सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग निगेटिव है। यहाँ पे निगेटिव मीनिंग कब होगा, जब उसमें नो, नॉट, नथिंग, नेवर ये वाले वर्ड्स आएंगे तब।
का मीनिंग निगेटिव होता है. तो आई एम नॉट अ गर्ल, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है. यही सेंटेंस असर्टिव है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. और थर्ड, ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका मीनिंग निगेटिव है. अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में इस पे क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं. एक सिंपली आपको सेंटेंस दिया जाएगा इनमें से कोई, और कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कौन से काइंड का है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. या दूसरा जो क्वेश्चन आता है जो ज्यादातर पूछा जाता है वो है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस. एसर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करो या एसर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो. सो इनको कैसे इंटरचेंज किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं.